अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम यहाँ मार्केटपुर स्टेशन के सामने मौजूद हैं। दलगाम शहर के कई सारे नौजवान यहाँ पर इकट्ठा हैं और उनका मुतालबा है कि जिस तरह से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर सुरेश चौहान के ने जो तोहीन आमोज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस पर वो मुकदमा दायर किए, लिहाजा हम देखते हैं। और मुफ्ती और कुछ मौलाना भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी अपना मुतालबा पेश करते हुए यही कहा है कि किसी तरह से सुरेश चौहान के पर मुकदमा दायर किया जाए, जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी पर बेवजह मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं वो अंदर क्या मामला है। कसीर तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं कई सारे कारपोरेटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। विपक्ष के लीडर मुजम्मिल डोनी भी यहाँ पर मौजूद हैं, AIMIM के शाहिद पठान हैं, आरिफ कटगिरी साहब हैं और कई सारे जिम्मेदार अभियान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पूरे शहर के तकरीबन नौजवान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका मुतालबा यही है कि जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर तोहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन पर मुकदमा दायर किया जाए, उन्हें हिरासत में लिया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आए दिन हम देखते रहते हैं कि सुरेश चौहान के जो सुदर्शन का एडिटर इन चीफ है वो अक्सर मुसलमानों को लेकर भद्दी टिप्पणियाँ और गाली गलौच इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता रहता, लेकिन इसे खुली छूट दी गई है सरकार की तरफ से। एक तरह से एक सरकारी चैनल के तौर पर उसे पेश किया जा रहा है, लेकिन आज बेलगाम शहर के मुसलमान और मुस्लिम नौजवान उलमा इकराम और जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और उनका मुतालबा यही है कि किसी तरह से सुरेश चौहान के पर FIR दर्ज की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, चैनल को बंद कर दिया जाए और उसे हिरासत में लिया जाए। सर भी ये कंप्लेंट लेके आए हैं सर, हम सभी हमारी कम्युनिटी से। ये एक नालायक सुरेश चौहान के बोल के है जो एक न्यूज चैनल चलाता है, TRP के लिए कुछ भी कुछ बकता है। उन्होंने बहुत मजम्मत करने जैसे अल्फाज हमारे मौलाना के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। हम सभी लोग इसकी मजम्मत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप इनके ऊपर FIR एक लॉगिन करें और हमें एक रिसीव कॉपी दें। इसी के ताल्लुक से सभी नौजवान यहाँ पर आए हैं, मुफ्ती साहब भी आए हैं, मुजम्मिल डोनी सब आए हैं। सर हमारी रिक्वेस्ट है कि आज और अभी के अभी क्योंकि एक संस्था को धर्म लोगों को गाली दे के हमारे सबके भावनाओं को भी ठेस पहुँचाई, तो इमीडिएटली हमारे को उसका एक FIR करेगा सर। यहाँ देर में आटो तो मैं अपने नौजवानों से अपने भाइयों से पहली गुजारिश ये करूंगा कि हम एक जमहूरी सेकुलर अमन व सुकून के मुल्क में रह रहे हैं, हमें अपनी बात जिम्मेदारान के सामने डिपार्टमेंट के सामने रखने का हक है जमहूरी तरीके पर, लेकिन अमन व शांति भाईचारगी और पीस को मेंटेन करते तो सबसे बुनियादी चीज ये है कि हम अपनी बात रखते वक्त कतअन किसी तरह के कोई जज्बाती नहीं होंगे, बल्कि अमन व सुकून हमारे शहर को जरा रास्ता दो, जरा रास्ता दे, छोड़ो वासी जरा भाईचारगी पीस का ख्याल रखते हुए बड़ी शाइस्तगी के साथ हम अपनी बात रखेंगे। सर वाकया ये हुआ कि जैसा कि टीवी चैनल्स अखबारात न्यूज़पेपर के जरिए हमें मालूम पड़ा कि 4 फरवरी संडे इतवार के दिन अचानक 12 बजे दिन घाट कोपर मौलाना सलमान मुफ्ती अजहरी हमारे इस्लाम के एक अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे मुक्तदीर खतीब और इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके घर पे बड़ी तादाद में पुलिस के लोग आते हैं, मौलाना को खबर की जाती है, मौलाना कोऑपरेट करते हुए पुलिस के सामने आते हैं और फिर मुख्तसर ये है कि खबर ये मिलती है कि मौलाना के खिलाफ जूनागढ़ गुजरात के अंदर 153B के तहत कोई केस दर्ज हुआ है और इस सिलसिले में मौलाना की तलाश है और कुछ पूछताछ की जाएगी। बहरहाल मौलाना ने खुद पुलिस को कोऑपरेट करते हुए पुलिस के सामने मौलाना हाजिर हुए। अब ये खबर फैलते हुए बॉम्बे में हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले फॉलोअर्स नौजवान मुस्लिम जमा हो गए और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। ये भी आपके सामने पुलिस डिपार्टमेंट के सामने है कि भीड़ बेकाबू हो गई, उसके बाद खुद मौलाना अमन पीस शांति
बॉम्बे को बाकी रखने के लिए खुद सामने आए और अपने फॉलोअर से कहा, अगर आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, याद रखो कोई मुजरिम नहीं हूं मैं, कोई आतंकवादी नहीं हूं, कानून का कोऑपरेट करना हमारी जिम्मेदारी है, हम कोऑपरेट करते हैं और करेंगे, और इस सिलसिले में अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरा हुक्म है कि आप यहाँ रास्ते को खाली कीजिए और बॉम्बे के अमन शांति अना को बरकरार रखे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसी तरह का कोई मसला पैदा ना करें। हमने टीवी में देखा, अखबारात न्यूज़पेपर में देखा कि मौलाना के इस कहने के बाद लाखों की भीड़ सड़क से क्या हो गई, गायब हो गई। एक ऐसा आदमी जो अमन पीस की खातिर है ना, ये भी गवारा नहीं करता कह के हमारे फॉलोअर्स हमारे मानने वाले सड़क को जाम करें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करें, तो इस आदमी के बारे में हम भी बहरहाल फैसला ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। बहरहाल जो कुछ FIR हुआ है मौलाना उसी में कोऑपरेट कर रहे हैं और मौलाना ने कहा कि इस सिलसिले में मैं मुकम्मल पुलिस की कोऑपरेट करूंगा। इन हालात में जबकि हकीकती एतबार से ये एक तकरीर है, एक उनकी स्पीच है जो 31 जनवरी जूनागढ़ गुजरात में हुई, वहां बात चल रही थी आज फिलिस्तीन गजा को लेकर इसराइल के मामले के लेकर, आप जानते हैं हमारा ही मुल्क नहीं पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा, जहां बेकसूर मजलूम निहत्ते हमारे फिलिस्तीनी छोटे छोटे बच्चों को 27,000 से ज्यादा अखबार और टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बेदर्दी के साथ मार दिया गया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया, अना करोड़ों की संपत्तियां बर्बाद कर दी गई, अना दर्जनों हॉस्पिटल को जमींदोज कर दिया गया, डॉक्टरों को और सिर्फ डॉक्टरों को नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स और अक्वामे मुत्तहदा अना के हजारों लोगों को क्या कर दिया गया, बेदर्दी के साथ इसराइल की फौज ने मार दिया। जाहिर है कि इस बात को सुनने के बाद उनका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो किसी भी मजहब से हो हमसे ज्यादा यूरोप अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस और हमारा हिंदुस्तान पहला एहतजाज कर रहा है, अपने दुख दर्द का इजहार कर रहा है, एक नेचुरल और फितरी बात है ना। और इस सिलसिले में हमारा भारत इंडिया की तारीख यह है कि जब से इसराइल बना है फिलिस्तीनियों को जमीन पर कब्जा करके बना है, लाखों फिलिस्तीनी जान दे चुके हैं और हमारा इंडिया हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहा। हिस्ट्री है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, है ना, मैं आता हूं उसी पे आता किसी पे आता हूं। बहरहाल हमारा भारत हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ रहा और फिलिस्तीनियों के हक बात करता रहा। इसी पस मंजर में जूनागढ़ में ये इजलास था, जाहिर है कि उस माहौल में मौलाना ने कहा है ना कि आज तुम्हारा दौर है हमारा भी दौर आएगा। जाहिर है कि यहाँ हिंदुस्तान ये हमारे भारत के किसी मजहब को किसी कम्युनिटी को किसी पार्टी को नाम लेकर कतान उन्होंने तकरीर नहीं की है ना, उसकी तकरीर में कौन थे, यहूदी थे, इसराइली थे और अमेरिका जो उनके खिलाफ जुल्म ज्यादती कर रहा है। अब उसी चीज को तोड़ मरोड़ पर मौलाना पे FIR कर लिया, बहरहाल FIR हो गया, अब अगला काम है पुलिस का तफ्तीश करना, अदालत का काम है फैसला करना। मौलाना कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ये ठीक है, हम अमनो शांति के पाबंद हैं, हम अमनो शांति को बहाल जरूर हर सूरत में रखेंगे, लेकिन इन हालात में आज हमारे ये सैकड़ों की तादाद में नौजवान जो यहाँ है, ये बड़ी तकलीफ हुई उस शख्स के, क्या नाम है उसका, मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के सुरेश चौहान नामी शख्स ने जितनी गंदगी जितने गंदे भाषा का अना आतंकवादी उग्रवादी कुत्ते न जाने खिंजीर बल्कि उतना ही पे नहीं मौलाना की सूरत को अना उन्होंने एक सुअर और खिंजीर का एक कार्टून बनाया है और मौलाना को अपने चैनल में, यकीनन हम एक मजहबी धार्मिक अना रिलीजन गुरु के बारे में इस तरह की सूरत को देखकर हर आदमी का दिल पसीज जाता है अना। इसी सिलसिले में हमारे ये नौजवान जिम्मेदार कॉर्पोरेटर्स अना जमातों के लोग जमा हुए, मैंने कहा अमन और पीस के खातिर हमारे लिए जरूरी है कि ऐसे लोग जो हमारे अमन को पीस को शांति को भंग करने के लिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना भाषण अना टीवी चैनलों में या अपने स्टेजों पर देते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं और अना पुरजोर मजम्मत करते हैं। साथ साथ हम इस आपके जरिए से इस मजमा में मौलाना सलमान अजहरी के अमन और शांति के साथ मामले को तहकीक करने के बाद बाइज्जत रिहा करने के हम डिमांड और मांग करते हैं और साथ साथ हम डिमांड करते हैं कि इस तरह के लोग
है ना, जो किसी मजहबी धार्मिक शख्सियत है ना या किसी ऐसे मजहबी धार्मिक शख्स के खिलाफ इस तरह की बकवास और गंदी जबान का इस्तेमाल करता है, भड़काओ भाषण या भड़काओ न्यूज चैनल चलाता है, हम आपसे, हम लोग सबके सब, हम आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करते हैं कि कानून के दायरे में उस शख्स पर केस दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एफआईआर बनाना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया और तमाम हाजरीन और यहाँ जो अफसरान मौजूद है, हमारे तमाम लोगों के आने का मकसद एक ही है कि हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति बरकरार रहे, हम भी चैन से जिए और दीगर मजहब के लोग भी अमन सुकून के साथ रहे। अभी फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूज़ चैनल वाले हैं कुछ हजरात जो है ना बड़े शरंगेजी कर रहे हैं। उनमें से एक बंदा, एक चैनल के रिपोर्टर है सुरेश चौहान, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोला है। वह हमारा धर्मगुरु है, वह हमारे कायद है, लीडर है, उनके बारे में हम लोग अनाप शनाप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने आपके यहाँ हाजिरी दी है। उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी आप हजरात कार्रवाई करें। हम सब का मुतालबा है कि सुरेश चौहान पर आप हजरात एफआईआर क्यों करें कि आने वाले दिन में दोबारा ये हरकत कोई भी नहीं, ताकि हम भी किसी के खिलाफ ना बोले, वो भी किसी के खिलाफ ना बोले, ये बिल्कुल मेंटन भाईचारगी के साथ हम लोग जिंदगी गुजारी है, ये हमारा मकसद है। सर बोलिए सर, ये कंप्लेन कोटिदरे अदर में नाउ एक्शन ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಬೋಲೇ ಆಪೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಬ್ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ ರೇ ಹರ ಬಾರ ಹಮ ಆತೆ ಲೇಕಿನ್ ಹಮಾರೇ ಕೋ ಭೇಜ್ ದೇತೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ನಹೀ ದೇತೆ ಕರ್ಕೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಕಾ ದೇತೆ ದೋ ಠೀಕ ಠೀಕ ದೇತೆ ಓಕೆ ಇಬ್ರ ಮಂದಿರ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಳ್ಳವರಗಳ ಕಾಗ್ಸಿ ಕಾಗ್ಸಿ ಕೂಡ ಹುಡುಕೋ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ पुलिस की जानिब से एफआईआर कॉपी देने का वादा किया गया है थोड़ी देर में। अभी भी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, दो चार दिन चलो 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 चलो। मुफ्ती साहब की जानिब से ऐलान भी किया जा रहा है कि तमाम किसी तरह की अमन शांति की गुजारिश की जा रही है मुफ्ती साहब की जानिब से। बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान यहाँ पर जमे हैं, देख सकते हैं कि मार्केट पुलिस थाने के सामने उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द एफआईआर दर्ज की जाए और अभी एफआईआर कॉपी हासिल कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं पूरा कसीर तादाद में आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं, पूरे बेलगाम शहर के नौजवान यहाँ पर तकरीबन इकट्ठा हुए हैं। अभी थोड़ी देर अहम शख्सियतों को रुकने के लिए कहा गया है, डीएसपी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सीपीआई, एएसआई और तमाम पुलिस महकमा यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अभी वादा किया हुआ है कि अभी थोड़ी देर में एफआईआर सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल का एडिटर है और कहीं नामोज अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये अभी आपने जो मुतालबा पेश किया है पुलिस ने क्या पाया? पुलिस ने अभी जो हमने एप्लीकेशन दिए हैं या कंप्लेंट के बारे में, वो एफआईआर करेंगे या ना करेंगे अभी पता नहीं, जो है अंदर प्रोसेस चला है, पर अब वो एफआईआर करते हैं नहीं करते पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला तो अभी करता हूँ करके बोले हैं, करता हूँ बोलना अलग करना अलग। अच्छा आप बोलोगे, ये सुरेश चौहान के नाम का जो सुअर है
उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मार्केट पुलिस स्टेशन जो है जल्द से जल्द इसके नाम पर एफआईआर फाइल करेगा। हम वेट करेंगे और उम्मीद है कि ये एफआईआर फाइल होगा, नहीं तो फिर हम हायर अथॉरिटीज इधर भी होगा या कोर्ट के थ्रू इस नालायक के ऊपर जरूर एफआईआर करेंगे। आज बेलगाम के नौजवानों और मुख्तलिफ तंजीमों के लोगों और खसूसी तौर पर कारपोरेटर्स वगैरह सब मिलकर जो है उलमा इकराम की मौजूदगी में सुदर्शन चैनल चलाने वाले एक सुरेश चौहान के नाम वाले शख्स के ऊपर एफआईआर करने के लिए आए हैं। डिपार्टमेंट ने कहा है कि एफआईआर करता हूं, बल्कि उस खबीस को जो है इतना भी मालूम नहीं है कि किस पर तनकीद करें किस पर ना करें। हम इसे कानून के दायरे में रहकर उसे सख्त से सख्त सज़ा देने के ताल्लुक से जो है सभी अवाम जमा है यहाँ पर। हमें उम्मीद है हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का कानून के ऊपर कि उसे बहुत से जल्द से जल्द अरेस्ट करके सजा दी जाएगी, यही हमारी डिमांड है।